नमस्कार, मैं हूं अल्ताफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 4। न्यूज़ इंडिया 4 में आपका स्वागत है। आई नज़र डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। पुलिसकर्मी की पत्नी पुलिसकर्मी और प्रेमी भी पुलिस का दरोगा। पुलिसकर्मी पति ने पुलिस पत्नी को पुलिस दरोगा के साथ पकड़ा रंगे हाथ। पुलिस ने पुलिस को रंगरलिए मनाने पर लिया हिरासत में। पुलिस पत्नी पुलिस लाइन आगरा में दरोगा और ओरिया पति अलग जगह पर हैं तैनात। पुलिस पत्नी पुलिस पति ने दरोगा के साथ रंगरलिए मनाते अपनी पत्नी को पकड़ा, जिसे लेकर विवाद इतना बड़ा कि पति ने पत्नी को मारा थप्पड़ तो पति भी पीछे नारा। पति ने भी जड़े पत्नी में जोरदार थप्पड़। लाखों रुपये लेन देन का एक दूसरे पर लगाया आरोप। आगरा पुलिस विभाग में मामला बना चर्चा का विषय। मेरे ठीक जा रहा था सामान से मंगूल क्या रिश्तेदारी जरा रिश्तेदारी बताओ। ये पंडित है, ये साहब क्या है, ये अलीगढ़ का रहने वाला है? अरे अलीगढ़ का रहने वाला है। से बात करिए, कोई नहीं। पारिवारिक क्या पारिवारिक संबंध है? क्या पारिवारिक कैसे जानता है? परिवार जानते मेरे नहीं जानते। बताइए बहन जी, क्या नाम है आपका? रचना जी। रचना। रचना नाम है। हाँ। तो ये आपके हस्बैंड है? हाँ, और ये कौन है? ये हमारे रिश्तेदार हैं। ये हस्बैंड है तुम्हारी, आपने नीचे बोला बोल रखा है। नहीं, तो आप यहाँ किराए पर रहती हैं? आप यहाँ किराए पर रहती हैं? अच्छा, तो ये आप इनको छोड़ के चलिए बताया, इन्होंने कंप्लेंट की है कि ये मुझे छोड़ के चली आई है, ऐसे से मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। 4 जनवरी में शादी हुई, मात्र 20 दिन रही मेरे घर पर, उसके बाद छोड़ के चली आई है। और इनके साथ रही है और रैया में इनके साथ रही है। इनका रैया में मैं विष्णु कुमार हूँ, इंस्पेक्टर। अच्छा, और ये मेरी सास है। मेरे पापा से इन्होंने 1 लाख रुपए, मेरे पापा ने इनसे 1 लाख रुपए दिए थे, वो आज हमें देने आए थे कि जा रहे हैं तो 1 लाख रुपए देते जाए। तो हमने कहा चाय नाश्ता करके तब जाना, ठीक है। ये है सब, ये सब इन्हीं ने दिया मेरी शादी में, इसे 1 लाख रुपए, इसने 1.5 लाख रुपए दिया। आरोप लगा रहा है? नहीं भाई, बदतमीजी नहीं, सत्तमीजी से बात करिए, जो भी है जो समस्या है, लेकिन एक दूसरे से बदतमीजी नहीं, बिल्कुल नहीं, जो भी है समझ लो। चलो आप लोग खाने चलिए। और जो भी मैं पुलिस विभाग में हूँ और कानपुर नगर मतलब ड्यूटी चल रही है मेरी। अच्छा, ये बताइए कि किस मामले को लेकर थाना शागंज में खड़े हैं आप? मेरी शादी हुई थी तो मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली आई, पिछले 4 माह से मुझे बात नहीं कर रही है, नंबर ब्लॉक कर दिया, नंबर चेंज कर दिया जी। तो उसी की जानकारी करने के लिए आए थे, तो जब मौके पे पता चला तो दूसरे गैर मर्द के साथ एक दरोगा जी हैं जो उसके साथ औरैया में रहे हैं। क्या नाम है दरोगा जी का? विष्णु गौतम। विष्णु गौतम जी, आपने कहा इन लोगों का देखा? ये इन्होंने बताया था मेरे इनके संबंध चल रहे हैं और मेरे घर आते जाते हैं, ये मेरी शादी में भी आया था जी। तो ये सब मुझे शक हुआ, अहरबा कटरा जहाँ ये ऐसो रहा वहाँ मैंने जानकारी की, तो उन्होंने बताया ये चरित्रहीन है, आगरा जाता है मिलने के लिए। तब मुझे शक हुआ, उसके आधार पे हम गए आगरा आए, तो उसे रंगे हाथों कमरे पे 112 नंबर डायल करके उनके सामने पकड़ लिया। जिस समय आप पहुँचे थे आपत्तिजनक अवस्था में थे? हाँ, ये अंडर वियर बनियान में था, पहले तो गेट नहीं खोला और बहुत देर खटखटाया, तब इसने गेट खोला, अंडर वियर बनियान में मिला, तो मेरे साथ इन्होंने मारपीट की 112 नंबर के सामने। और मतलब मोहल्ले वाले भी इसके गवाह हैं, कमरा मालिक भी कह रहे हैं कि ये आदमी बना के अपना रखती है। अच्छा, ये चीज़ वहाँ इन्होंने ये बताया कि मेरे हस्बैंड हैं? हाँ, ये बताया मेरे हस्बैंड हैं, और कमरे मालिक ने बताया ये 2-3 दिन बाद आता जाता रहता है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप थाने आए हैं? आपकी एप्लीकेशन ली गई है अभी? अभी नहीं ली है, मैं एप्लीकेशन लिखे रहा हूँ और मेरे हाथ में है, और मैं चाहता हूँ ये दोनों जेल जाएँ और मुझे मेरी पत्नी छुटकारा दिलाया जाए। साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया 4 को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।